नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एडवांस स्टडी हब मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं असिस्टेंट लोको पायलट के जो एग्जाम में रेलवे द्वारा, जो कि आरआरबी बिलासपुर से हैं और बिलासपुर जोन से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सेशन आपको पसंद आएगा उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको पसंद आए तो ये आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा सकते हैं जो कि इस चैनल के नीचे है। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया होता है प्रोटोजोअन द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेनक्रियास कंटेन्स विच एसिड, पेनक्रियास में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो पेनक्रियास में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी जो जन्म हुआ, कब हुआ महात्मा गांधी का जन्म? 1869। इसी के साथ साथ महात्मा गांधी जी के बारे में और भी जानकारी लीजिए, इनके द्वारा जो बुक थी और इनके द्वारा जो आंदोलन हुए डांडी मार्च और असहयोग आंदोलन, इनकी डेट्स भी रेलवे बार बार रिपीट क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन पे आता हूँ, दरबारी ऑफ कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के दरबारी कौन थे? तेनालीराम थे उसका, तो उसका आंसर तेनालीराम है। इंडियन मैराइन इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है? इंडियन मैराइन इंस्टीट्यूट है ये पणजी में है। अगला क्वेश्चन पे आता हूँ, वाटर कंजर्वेशन डे, जल संरक्षण दिवस जो होता है तो ये कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को ये मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इसके साथ साथ योगा डे, एड्स डे और जो भी है इसके साथ वुमेन्स डे, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इनकी भी डेट्स आप याद रख लें। फर्स्ट यूरोपियन टू कम इंडिया, भारत में आए सबसे पहले यूरोपीय कौन थे? तो उसका आंसर है पुर्तगीज जो आए थे भारत में सबसे पहले यूरोपीय थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1764। दोस्तों इसी के साथ साथ बताना चाहूँगा कि बैटल ऑफ पानीपत भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसके बीच हुई है और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत और फ्रांसीसी क्रांति और रशियन रेवोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनकी डेट्स भी बार बार रेलवे में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, हेड ऑफ नगर निगम, जो नगर निगम का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? ये मेयर होता है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, एक ना एक पॉलिटी का क्वेश्चन जरूर आता है और अनुच्छेद आर्टिकल्स और पार्ट पैराग्राफ इनके क्वेश्चन भी रेलवे एक आध पूछ लेता है। वर्ल्ड बिगेस्ट डेल्टा, सबसे बड़ा जो डेल्टा बनता है नदी का, नदी पे, वो कौन सी नदी पे बनता है? तो ये रहता है हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी को ये बहा के लेकर आते हैं और एक जगह पर ये एकत्रित होती है और वहाँ पर ये एकत्रित जो होती है तो बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। ध्यान रखिए गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पे बनता है ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, राइटर ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस ये जो बुक है इसके राइटर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि इनकी जो बुक थी गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया और ये किस सन में दिया गया ये भी बहुत जानने के लिए ज़रूरी बात है। और अगले क्वेश्चन के लिए आता हूँ, फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेलवे रन, पहली जो विद्युत से चलने वाली रेलवे थी वो कब चली? ये चली हमारी 1925 में। VAT स्टैंड्स, ये फुल फॉर्म है, तो उसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। अगला क्वेश्चन है, करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की जो मुद्रा है वो क्या है? वो है रैंड। बजट अनाउंस बाय, बजट किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है, घोषणा किसके द्वारा होती है बजट की? ये फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं और अभी में हाल ही में जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो हमारे अरुण जेटली साहब हैं, तो वही बजट को पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए हैं रेलवे में भोपाल जोन से और अहमदाबाद जोन से, वो भी आप देख लें और साथ ही साथ शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह मैं आप लोगों की मदद करता रहूँगा, इसी तरह आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।